नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुरुवार को दो दिन से जारी गिरावट थम गई। ब्याज दरों पर फैसले से पहले सेंसेक्स 406 अंक चढ़ा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड घटने के चलते एक ही दिन में सस्ता हुआ कच्चा तेल। तेल के दाम गिरकर गुरुवार को 6% घटे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गुरुवार को 6% घट गए। सुस्त पड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था में डिमांड घटने की चिंता इसकी वजह रही। बेंचमार्क ऑयल ब्रेंट क्रूड की कीमत $86.12 और अमेरिकी तेल WTI की कीमत $84.57 प्रति बैरल रहेगी। बीते हफ्ते के पीक लेवल से भेंट में 12% और WTI क्रूड में 11% गिरावट आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनी वीगार्ड ने त्योहारी मौसम से पहले घरेलू बाजार में प्रीमियम ब्रशलेस डायरेक्ट करंट BLDC हाई स्पीड पंखा इनसाइट की लॉन्च किया है। वीगार्ड इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष एवं हेड नंदगोपाल नायर ने एक विज्ञप्ति में बताया कि बिजली खर्च में किफायती वीगार्ड का यह पंखा 12 अलग अलग रंगों में उपलब्ध है। कंपनी इस पंखे के और स्मार्ट वेरिएंट पेश करेगी। शानदार डिजाइन वाला वी कार्ड का इनसाइड जी पंखा अगली पीढ़ी के उपभोक्ताओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। देश में पंखों की मांग सालाना 8-9% की औसत दर से बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह हाई स्पीड पंखा लॉन्च किया गया है। शेयर बाजार में गुरुवार को दो दिन से जारी गिरावट थम गई। ब्याज दरों पर रिजर्व बैंक के फैसले से एक दिन पहले सेंसेक्स 406 अंक चढ़कर 65,632 पर और निफ्टी 110 अंकों की तेजी के साथ 19,546 पर बंद हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट ने भी शेयर बाजार को सपोर्ट किया है। कैपिटल गुड्स, बैंक और IT शेयरों में निचले स्तरों पर खरीदारी निकली। भारत की पहली ऑप्टो सेमीकंडक्टर चिप निर्माता पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने IPO के जरिए 750 करोड़ रुपए जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास दस्तावेज दाखिल किए हैं। कंपनी सभी नए शेयर जारी करेगी। कंपनी तमिलनाडु में अपनी मौजूदा सुविधा की क्षमता बढ़ाने के लिए नई मशीनरी खरीदने के लिए 567 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करेगी। पॉलीमेटिक के IPO की प्रबंधक खंबाटा सिक्योरिटीज है। कंपनी के शेयर NSE और BSE में सूचीबद्ध होंगे। इस कंपनी का नेतृत्व प्रबंध निदेशक ईश्वरा राम नंदम कर रहे हैं। यदि आप बाजार में कम कीमत पर अच्छे शेयरों की तलाश में हैं, तो कोल इंडिया, ऑल इंडिया और PTC इंडिया जैसे शेयरों पर गौर कर सकते हैं। 2022-23 में इन सरकारी कंपनियों ने क्रमशः 24.3%, 20% और 8% शेयर डिविडेंड दिए हैं। रेगुलेटर ब्रोकिंग की ऐसी टॉप 10 सरकारी कंपनियों की लिस्ट में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी और NMDC सबसे नीचे है। इस 10 कंपनियों की डिविडेंड यील्ड भी 8.2% तक है। डिविडेंड यील्ड प्रतिशत के रूप में दिखाया जाने वाला वो अनुपात है जो बताता है कि कंपनी हर साल अपने शेयर प्राइस के अनुपात में कितने लाभांश का भुगतान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन बिजनेस न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुरुवार को दो दिन से जारी गिरावट थम गई। ब्याज दरों पर फैसले से पहले सेंसेक्स 406 अंक चढ़ा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड घटने के चलते एक ही दिन में सस्ता हुआ कच्चा तेल। तेल के दाम गिरकर गुरुवार को 6% घटे। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज। नमस्कार।